प्लानिंग की, तो सबसे बड़ी बात होती है हम समझ पाए कि सॉफ्टवेयर प्राइसिंग क्या होती है, प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होती है, एजाइल प्लानिंग क्या होती है और एस्टिमेशन टेक्निक क्या है, ये सारी चीज की। तो अगर हम प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करते हैं तो इट्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द वर्क इनटू पार्ट्स एंड असाइन दीज टू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, एंटीसिपेट प्रॉब्लम्स दैट माइट अराइज एंड प्रिपेयर टेंटेटिव सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। द प्रोजेक्ट प्लान व्हिच इज क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट हाउ द वर्क विल बी डन टू द प्रोजेक्ट टीम एंड कस्टमर। मतलब अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लान की, तो ये जो है जब प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही हम लोग बता देते हैं कि हमको कितना पैसे लगेंगे, कौन कौन से लोग काम करेंगे, क्या टीम होगा, टीम क्या काम करेगा, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट डिलीवर होगी, है ना? यस सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ स्टेज में हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं। तो प्रपोजल स्टेज ये कहता है कि जब हम बिडिंग करते हैं डॉक्यूमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए हम जो फर्स्ट स्टेज जैसे प्रपोजल स्टेज जिसमें हम लोग पीपीटी और ये सब प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कि इसमें ये बताते हैं कि हम सॉफ्टवेयर कैसा बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्टअप फेज आता है व्हेन यू हैव टू प्लान हु विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा बंदा काम करेगा, कैसे प्रोग्राम डेवलप होगा और रिसोर्स को कैसे हम एलोकेट करेंगे कंपनी, पूरे कंपनी में। और तीसरा जो फेज है वो है पीरियडिकली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। अब हम प्रोजेक्ट को कैसे मॉडिफाई करेंगे, रिव्यू कब करेंगे, ये सारे चीजें देखते हैं, किसके सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में अगर हम बात करते हैं स्पेशली प्रपोजल प्लानिंग में, तो प्लानिंग में भी नेसेसरी विद ओनली आउटलाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट द दे एम ऑफ प्लानिंग एट दिस स्टेज इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट विल यूज टू सेटिंग अ प्राइस फॉर द सिस्टम टू कस्टमर। सॉफ्टवेयर प्राइसिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कि डेवलपर की सैलरी के अलावा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रेवल, ट्रेनिंग और जो इफर्ट है उसका कॉस्ट भी करता है। केवल जो है सॉफ्टवेयर जो है ना ये नहीं कहता, देयर नॉट सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट कॉस्ट एंड द प्राइस इज चार्ज टू द कस्टमर। अगर हम बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पेशली इकोनॉमी, पॉलिटिकल, बिजनेस कंसीडर प्राइस चार्ज, तो बहुत सारी बातें आती है, प्राइस जो है बदल जाता है। अगर मान लो कि हम लोग इंडिया में बात करते हैं, सूरत में सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सूरत की सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग अलग हो सकती है, राजस्थान जयपुर में सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग अलग हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लंदन में जाकर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग अलग हो सकती है, जहाँ कॉस्टिंग में चेंज होते हैं वो इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सॉफ्टवेयर प्राइसिंग में सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो है मार्केट अपॉर्चुनिटी, दूसरा कॉस्ट एस्टिमेट और तीसरा कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरा सॉफ्टवेयर का कीमत जो है सही है या गलत है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर बंदा है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी है तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर के लिए अच्छे क्वालिटी के लिए और उसको अच्छा पे आपको कर सकता है। अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो सॉफ्टवेयर जो है आपको उस कॉस्ट नहीं हो सकता। कुछ सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर उसी सॉफ्टवेयर के लिए हमें कॉस्ट पे करने पड़ते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। अगर मार्केट में हम देखेंगे तो पार्कर पेन जो है उसकी कीमत जो है लगभग 250 से 300 रुपए हो जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसे पेन भी हैं जो 5 रुपए में अच्छा चलता है, पार्कर से ज्यादा अच्छा चलता है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति की पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करता है मार्केट की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल वैलिडिटी और फाइनेंशियल एज। डेवलपर इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी में लोअर द प्राइस गेट कॉन्टैक्ट। अगर डेवलपर के पास पैसे नहीं है तो वो कोशिश करेगा कि कम पैसे में सॉफ्टवेयर बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर डेवलपर रिच है तो वो कम पैसे में सॉफ्टवेयर बनाएगा ही नहीं। दूसरा फैक्टर जो है प्लान ड्राइवन और प्लान बेस्ड डेवलपमेंट होता है,
Or plan-based development is offered to software engineering, where the development process is planned in detail. Plan-driven development is based on the engineering project management. So actually, इसमें ही होता है सबके अलग अलग फॉर्म होते हैं ना साथी वाले सब अलग अलग कोई बहुत नहीं जा रहा है मैंने जो है तो ये काम करो अब प्रोजेक्ट ड्राइवन प्रॉब्लम है आर्गुमेंट फेवर तो प्लान ड्राइवन अप्रोच इसमें अगर मैंने बात किया था ये हमारा प्लान सेक्शंस है इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोजेक्ट शेड्यूल इस चीज को क्वालिटी हम देखते हैं सप्लीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी देखो तो ये है प्रोजेक्ट प्लानिंग फेजेस फर्स्ट में हम कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं माइलस्टोन करते हैं डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट प्लानर से आइडेंटिफाई करते हैं और उस केसेस में हमारा वर्क कंप्लीट होता है अब ये जो सामने कोई स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को यस सर ये जो स्क्रीन है ये टास्क है टास्क बोले तो कौन सा टास्क एनालिसिस डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग ये सब क्या है टास्क ही तो है यस सर और ये टास्क को कंप्लीट करने उस पर्टिकुलर केसेस में डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये देखो इसको बोलते हैं एक्टिविटी वार चार्ट इसको टाइमलाइन चार्ट भी बोलते हैं ठीक है ओके सर अब यहाँ पे जो ये टास्क है इतने सारे इसके पर्सन जो है इस टास्क को कंप्लीट करने में 15 दिन लगेंगे ठीक है और हमारे पास जो है ये एफर्ट जो है पर्सन डे 15 डे लगेंगे और हमारे पास जो है 10 दिन में ही कंप्लीट करने हैं ये समस्या है इसका मतलब हमें काम करवाने होंगे ज्यादा अब ये आर्ट है और ये ड्यूरेशन 15 दिन ये सारे चीज TMMO और इसके अलावा केसेस ये है कि ये जो केसेस है उसके अकॉर्डिंगली हमें कंप्लीट करने हैं तो ये फेज को फिनिश करने के क्रम में हमें इतने प्रोसेस को कंप्लीट करने होंगे तब जाके हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा लेकिन हमें रेगुलर इसको मॉनिटर भी करने पड़ेंगे क्या हमारा इसी क्रम में सॉफ्टवेयर बना है या नहीं बना दैट इज कॉल्ड अ टाइम लॉन्च चार्ट देखो कैसा सी है कि अपने पास ये बंदा कौन बंदा क्या काम करेगा ठीक है ये बंदे का नाम है कब करेगा किस डेट में करेगा कौन सा डेट है किस वीक में करेगा वो सब प्लान है ये सब है तो अगर हम बात करते हैं इस चीज को एक और जो मैंने पहले भी बोला था कि एजाइल डेवलपमेंट मॉडल्स भी ज्यादा इंपोर्ट करता है ये आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है सो सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है और डेवलप के क्रम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के साथ ये था कि परफॉर्मेंस जो था वो डिक्रीज कर जाता था और क्वालिटी कॉस्ट बढ़ जाता था ऐसा होता था लेकिन जैसे ही एजाइल डेवलपमेंट मेथड आ गया उसमें सबसे बड़ा समस्या ये होगी कि सॉफ्टवेयर अपडेशन कॉस्ट जो है उसका वैल्यू खत्म हो गया पहले सॉफ्टवेयर अपडेशन का कॉस्ट बढ़ जाता ठीक है और जो है वो डिपेंडेंट हो जाते थे तो इस चीज को लिए हमने जो है ना एक सफल प्रयास किया था तो मैंने पहले ही बोला था कि कैसे हम जो है एजाइल प्रोसेस या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग केसेस में करते हैं तो स्टोरी को आइडेंटिफाई करते हैं इनिशियल कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं रिलीज प्लानिंग करते हैं आइटरेशन प्लानिंग करते हैं टास्क प्लानिंग करते हैं और ये तब तक कंप्लीट करते रहते हैं जब तक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो स्टोरी बेस्ड की बात ये है कि हमने किसी से बात किया कि भैया क्या बनाना है तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें एक ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट बनानी है जैसे जस्ट लाइक myntra.com है या फ्लिपकार्ट है या आपका स्नैपडील है उस तरह की वेबसाइट अगर हमें बनाने हैं तो ये कहानी है कि किसी कंपनी ने ये कहा कि हमें एक जो है ऑनलाइन बिजनेस प्रोफाइल बनानी है तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि उसकी वेबसाइट बनाने में हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है कौन सा लैंग्वेज हम यूज करेंगे कौन टीम मेंबर होगा कैसे टीम मेंबर काम करेगा कितने दिन में सॉफ्टवेयर बन सकता है ये सारी चीजें है ना yes, तो
अगर हम बात करते की पॉइंट, द प्राइस चार्ज फॉर द सिस्टम डज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द एस्टीमेट डेवलपमेंट कॉस्ट, इट मे बी एडजस्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड ऑन माइन. मतलब कैसा नहीं है कि आपने जो कॉस्ट डिफाइन कर लिया वही फोकस होगा, ऐसा नहीं है. वो डिपेंड करता है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किस मार्केट में अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे हो. समझ रहे हो? यस सर. अगर मार्केट जो है अच्छा है तो जो सॉफ्टवेयर आप जो है लोकल मार्केट में बेच रहे हो 1 लाख का, वो सॉफ्टवेयर जो है आपका 1 करोड़ का भी बिक सकता है सेम सॉफ्टवेयर, लेकिन आपका मार्केट जो है वो डिपेंड करेगा. ठीक है. Plan driven development is organized around a complete project plan that defines the project activity, the planned effect, the activity schedule, and who is responsible for this activity. Project schedule involves the creation of graphical representation, the project plan, bar charts, so, or extreme programming game that involves the whole team in the project planning. So, इस चीज को आप जरा सा देखें तो आपको देखेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. नेक्स्ट जो होता है प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन टेक्निक्स. क्या है एस्टिमेशंस? एस्टिमेशन मतलब हम कैसे पता करेंगे कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट क्या हो सकता है. तो जनरली जो हमारे पास जो मॉडल्स हैं, एक तो एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक और दूसरा एल्गोरिथम कॉस्ट मॉडलिंग. ठीक है. तो एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक जो होता है, the future effort requirement based on the manager experience, the past project and application domain. Essentially, the manager make the informed judgment of that. अगर किसी को पता है कि वो सॉफ्टवेयर बनेगा कितना पैसा लगेगा तब तो ठीक है. जैसे आपको पता है कि आप जो है जयपुर से सूरत कैसे जाते हो, तो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि आप किस देश में जाओगे या कैसे जाओगे, तो आपको पता है कि कॉस्टिंग कितना लग सकता है. हा? लेकिन जो आदमी जो है जयपुर से सूरत में गया ही नहीं है, वो पहली बार अगर सूरत जाने की कोशिश करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा? उसको वो सोचेगा कि भैया ऐसा करते हैं कि ट्रेन में इतना पैसा लगेगा या प्लेन में ऐसा पैसा लगेगा, कार से जाएंगे तो इतना पैसा लगेगा, खाने में इतना पैसा लगेगा, ऐसा कुछ ऐसा होगा. ठीक है. जबकि आपका एक्सपीरियंस है कि क्लियर भाई ठीक है 5,000 लगेगा 10,000 लगेगा, आप बता सकते हो, है ना. नेक्स्ट जो है एल्गोरिथम कॉस्ट मॉडलिंग जो है, इस अप्रोच कहता है फॉर्मेलिटिक अप्रोच यूज्ड टू कंप्यूट अ प्रोजेक्ट रिफर्ड बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स सच एज साइज प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सपीरियंस स्टाफ इन्वॉल्वमेंट. इस केसेस में अगर हम अप्रोच देते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड, तो वो डिपेंड करता है कि मैनेजर क्या है, तो उसमें वो स्पेसिफिक एस्टिमेटेड रिव्यू बना लेता है और बता देता है. अगर हम बात करते हैं साइज केसेस में, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच होता है उसमें ओवरऑल डिपेंड हो जाता है मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एल्गोरिथम जो है इफर्ट जो है साइज की बात करता है. सो ए इज द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, बी इज रिफ्लेक्ट द डिसअप्रोप्रिएट इफर्ट फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट, और एम इज द मल्टीप्लाइड रिफ्लेक्टिव. तो अगर हम मॉडल्स की बात करें इस चीज को, तो आप देखोगे कि एक्यूरेसी डिपेंड करता है कि लाइन ऑफ कोड क्या होगा, और लाइन ऑफ कोड के बाद हेलो यस सर. हाँ हाँ अच्छा देखते हैं ना क्या होता है यार. सो प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हेलो यस सर. हाँ, तो हमें ये देखना है कि ये जो फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट डिजाइन कोड और डिलीवरी सिस्टम है जो आपने प्रोसेस मॉडल में पढ़ा था, ये प्रोसेस मॉडल है ना. ये प्रोसेस मॉडल है. ठीक है. तो इसमें सबसे ज्यादा जो समय आपको लग रहा है किसमें लग रहा है, जरा देखो आप. एनालिसिस में ज्यादा समय लग रहा है, रिक्वायरमेंट में ज्यादा समय लग रहा है, हैं? अरे किसमें समय लग रहा है, ये किससे समय लग रहा है? फिजिबिलिटी में ज्यादा समय लग रहा है, रिक्वायरमेंट में लग रहा है, डिजाइन में और कोड में, और जो है हम अगर बात करते हैं आउटपुट मतलब मार्केटिंग में और प्रमोशन में, इसमें समय कम लग रहे हैं. लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्लानिंग प्रोसेस में ये सारे चीज में समय लग रहे हैं. तो जनरली एक मॉडल होता है कॉस्ट एस्टिमेटेड मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, डॉक्यूमेंटेड होता है, इंडिपेंडेंट होता है. इसमें अगर हम बात करें तो पहला जो है अगर वर्जन जो है कोकोमो 81 लॉन्च हुई थी, फिर कोकोमो 2 आया,
जिसमें जो है डिफरेंट अप्रोच यूज किया गया, रियूज लाइन ऑफ कोड की बात किया उसने। कोकोमो जो है एंड ऑफ सब मेटल डिस्कवर करता है, जिसमें एक तो एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है उसी से यूज कर ले। दूसरा अर्ली डिजाइन मॉडल्स होते हैं, एक तो होता है रियूज मॉडल होता है, एक होता है पोस्ट आर्किटेक्चर मॉडल्स, मतलब कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो है वो सारी चीजें हैं। अगर हम पॉइंट के बेस में एस्टिमेशन मॉडल की बात करें तो आप देखो कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल यूज फॉर सिस्टम डेवलप यूजिंग डायनेमिक लैंग्वेज दैट इज डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड लाइक दैट। दूसरा अर्ली डिजाइन मॉडल जो है नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट, क्योंकि कॉस्टिंग जो है या तो हम लाइन ऑफ कोड पे डिपेंड करेंगे या लाइन ऑफ फंक्शन पे लिखेंगे, ठीक है, या लाइन ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि मान लो कि आप 2000 एप्लीकेशन लिखे हो तो 2000 एप्लीकेशन में मान लो कि एक एप्लीकेशन में 2000 लाइन ऑफ कोड है तो उसी हिसाब से कॉस्टिंग लिखोगे ना। यस सर। तो कॉस्टिंग में कभी कभी क्या होता था, लोग जो है प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे मैसेज लिख देते थे जो मैसेज प्रोग्राम में चलते नहीं थे, जिसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लाइन ऑफ कोड बढ़ा देते थे हम लोग, तो इसमें भी एक समस्या आ गई थी जिसके कारण वो प्रॉब्लम नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड रियूज जनरेटेड, जिसको रियूज मॉडल भी बोलते हैं, और मतलब सोर्स कोड। तो या तो हम कॉस्ट जो है सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट होगा, या तो नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट होगा, नंबर ऑफ लाइन पॉइंट होगा, या नंबर ऑफ लाइन ऑफ सोर्स कोड होगा, ये सारे चीज। अगर कंपोजिशन मॉडल्स अगर हम देखें तो आप देखोगे कि प्रोटोटाइप को ये सपोर्ट करता है। अगर ये दो मॉडल, एक तो प्रोड नैप पर मंथ की बात करता है गैस थ्री कैपेबिलिटी, ये एक्सपीरियंस वेरी लो वेरी लो वेरी लो वेरी लो वेरी लो, सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये कहता है कि नहीं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्ट पॉइंट में काम करेगा। एक मॉडल्स होते हैं अर्ली डिजाइन मॉडल, जिसमें हम सॉफ्टवेयर पहले से ही डिजाइन कर लेते हैं कि हमको कितना समय लगेगा, कितना लाइन ऑफ कोड रहेगा। मान लो हम कहते हैं कि 10,000 कोड बनाएंगे, 10,000 कोड का पर कोड का कीमत जो है हम अगर 1,000 रुपए लगते हैं तो उस हिसाब से कोडिंग का काम कर ले। तो ये सारे चीजें सामने आती। फिर एक रियूज मॉडल होता है जिसको हम ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स भी, इस नाम सुना है क्या आप लोगों ने? एक्चुअली जनरल जो प्रोसेस ये है कि हम जो है जब डिप्लॉय करते हैं सॉफ्टवेयर को या क्लाइंट के पास सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग की बात करते हैं हम लोग। अल्फा ये है कि सॉफ्टवेयर अपने पास जब हम चेक कर लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर जैसा बनाने के लिए क्लाइंट ने कहा है वैसा ही सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसको अल्फा टेस्ट कर रहे हैं, जब जाके हम वहां चेक करते हैं तब वो बीटा है। लेकिन उस मॉडल्स को यूज करने के लिए हम ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स कंसेप्ट को यूज करते हैं, जिसमें सर एक बार वापस हेलो देखो, एक अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग का कंसेप्ट मैंने पहले भी कहा था आपको, ठीक है सर। तो अब क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर बनवा लिए ना या बना लिए, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो अपने सिस्टम पे तो उसको हम लोग अल्फा टेस्ट कहते हैं, ठीक है, ओके, अपने टीम के साथ, ठीक है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए उस क्लाइंट जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाए उसे कहते हैं कि तुम आके टेस्ट करो, उसको हम कहते हैं बीटा टेस्ट, ठीक है, ओके सर। तो ये यूज मॉडल में इसको यूज करते हैं हम। अब अगर हम बात करते हैं मॉडल्स को, तो इसमें आप देखो ये सब फंक्शंस यूज करते हैं, इसकी जरूरत आपको आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एसएससी है, डिवाइड बाय 100 इनटू प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं, ये कितना जनरेट कोड हुआ, ये परसेंटेज ऑफ कोड ऑटोमेटिकली कितना जनरेट हुआ, ये सारी चीज जो हम C++ में कंपाइल कैसे करते हैं प्रोग्राम को, C++ में कैसे कंपाइल करते हैं, बोलो। अरे क्या लिखते सर, पाथ पर कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं सर, क्या प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं सी और C++ में? हाँ सर, जो पाथ होता है वो लिखते हैं, फिर डॉट एक्सटेंशन लगा लेते हैं, सी में तो सी और C++ में CPP करके करते हैं। रन कैसे कराते हो, रन कराते हो सर, पहले कंपाइल, हाँ सर पहले कंपाइल होता है,
कंपाइल कैसे कराते हो, कौन सा कमांड यूज करते हो? कोई कमांड यूज करते हो या कंपाइल करते ही नहीं हो? तो कैसे करते हैं ना, कंट्रोल प्लस F9। हाँ, कंट्रोल प्लस, ये जो केसेस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसको या तो लाइन ऑफ कोड पे हम केस करेंगे, किस पे करेंगे? लाइन ऑफ कोड पे, लाइन ऑफ कोड पे करेंगे, या नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे करेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन पे करेंगे, या जो है लाइन ऑफ सोर्स कोड पे करेंगे। मतलब कॉस्टिंग सॉफ्टवेयर को इसी बेस पे हम बेस करते हैं, जिसको हम लोग कोकोमो मॉडल करते हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। हाँ, ये मॉडल को यूज करते हैं। इस मॉडल के केसेस में जो हमारे पास सबसे बड़ी बात है, या तो एक्सपीरियंस बेस्ड हो जाता है डॉक्यूमेंट, या हमारा फंक्शन बेस्ड होते हैं जिसके बेस पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो कहने का मतलब ये था कि जो हम मॉडल्स को देखें, अगर इस मॉडल्स को आप ढंग से देखो तो आपको एक चीज दिखेगी। सर स्क्रीन ऑफ हो गई आपकी। आइए। हाँ, आ गई सर। देखो, फिर स्क्रीन ऑफ हो गई ना? हाँ सर। यस सर। तो उसमें जो सबसे बड़ी चीजें हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में, हमें जो है एक तो अपने शेड्यूल चार्ट बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? शेड्यूल चार्ट। शेड्यूल चार्ट, जो चार्ट में आपको ये पता है कि कौन सा काम हमें करना है, ठीक है? ओके सर। ये काम करने में कितने समय लगेंगे, ठीक है, और हमारे पास कितने दिन में सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ठीक है, उस काम को कौन सा ऐसा काम जो साथ में कर सकते हैं, ठीक है, जो वो काम नहीं होगा तो दो काम कंप्लीट नहीं हो, मतलब डिपेंडेंट वर्क कौन कौन सा है, ठीक है? क्योंकि ये बता रहा है कि डिपेंडेंसी क्या क्या है, मतलब कि ये सब टोटल और T1 T2 की डिपेंडेंट, लेकिन ये जो है M1 पे डिपेंडेंट है। अब ये कह सकते हैं कि जो हमारा टीम बन रहा है वो कैसे काम कर रहा है, ये हमने फिर एक्टिविटी चार्ट बनाया। चार्ट के बेस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना कोड जनरेट हो सकता है, कितने फंक्शन बन सकते हैं। अगर 2000 फंक्शन बन रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्टिंग हम फिक्स करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है कौन सा बंदा कौन सा कोड को काम पर करेगा और कितने दिन में करेगा, ठीक है, जिसको हम स्टाफ एलोकेशन चार्ट भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद इस चीज को समझने का एक सीधा सा तरीका ये है कि हम या तो ये देखें कि हम कैसे अनसर्टेनिटी पॉइंट ऑफ व्यू को चेक करेंगे। उसके लिए एक मॉडल्स हैं, दैट इज कॉल्ड द कोकोमो मॉडल। जिस कोकोमो मॉडल में हम केवल इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, किस पे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट, नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जनरेटेड, यूज कोडेड, और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सोर्स कोडेड। इसके बेस पे ही कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल्स को यूज करते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर जो है हम किस बेस पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किस लेवल पे काम करेंगे। तो ये हमारा एफ्रीज के काम करेगा कि हम अगर लाइन ऑफ कोड अगर बात करते हैं तो लाइन ऑफ कोड पे कॉस्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर हम एक वैल्यू देखते हैं एक्सपोनेंट वैल्यू सिस्टम, सिस्टम साइंस अभी बोल रहा है ये 730% पर मंथ लगेगा, ऐसा बोल रहा है, देख रहे हो? तो इस केस में रिलायबिलिटी जो है बढ़ जाएगी, लेकिन ज्यादा समय अगर कंपनी के पास है ही नहीं आपको सॉफ्टवेयर में लगाने के लिए तो क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी बनाने होंगे, हैं? तो जल्दी जल्दी बनाने होंगे तो हो सकता है क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, है ना? तो ये डिपेंड करता है टाइम कितने है, उस टाइमिंग के हिसाब से कितना समय लगा सकता है और कितने समय में वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कस्टमर की और वहाँ के अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है, ना कि आपके पॉइंट से, ठीक है? मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि सॉफ्टवेयर का कॉस्ट जो आपने फिक्स किया दिया वही मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है? ठीक है। क्योंकि अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है और जो इंडिया में लोग सॉफ्टवेयर को समझते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। एक सॉफ्टवेयर है ERP, उस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है, इंडिया में लोग खरीदेंगे नहीं है? फिर लोगों ने सोचा कि क्या करा जाए, फिर चलो एक करोड़ का सॉफ्टवेयर बनाया, फिर इंडिया के लोगों ने खरीदा नहीं, फिर उसने बोला कि भैया इसको और छोटा करा जाए, तो
फिर उसे B1 बनाया। तो कहने का मतलब कि इंडिया की जो पेगिंग कैपेसिटी है, जितनी पेगिंग कैपेसिटी है उस पेगिंग कैपेसिटी के हिसाब से दे देता है। और दूसरी बात है, बहुत सारे लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि सॉफ्टवेयर की जो है इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि सवाल ये है कि डिपेंडेंसी जो है ना, क्योंकि हम लोग हमेशा इंफॉर्मेशन को हाइड करने की पर ज्यादा ध्यान दिए हैं, ना कि इंफॉर्मेशन को जो है शेयर करने की बात सोचे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब के, मैं यही बार बार कर रहा हूँ कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली नोट्स तैयार कर लो, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से बात कर लो। ठीक है, ओके सर। ओके, तो फॉर द टुडे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।